संयुक्त अरब अमीरात ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो देश है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये वो देश है जिसमें पाम आइलैंड से लेकर बर्ज खलीफा और अब लाइन सिटी और फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम जैसे अजूबों से पूरी दुनिया को हैरान करने में कभी पीछे नहीं रहा। ये वो देश है जहां जाना हर किसी का सपना होता है, फिर चाहे वो काम के लिए हो या घूमने जाने के लिए। अब कहीं भी जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट तो लगता है, और आजकल यूएई की एक चीज है जो लोगों के बीच बेहद पॉपुलर हो रही है। वैसे तो यूएई की चीजें रोज ही पॉपुलर होती रहती हैं, पर इस बार ये है गोल्डन वीजा जो शाहरुख खान, संजय दत्त और रणवीर सिंह को मिला है। तो क्या है ये गोल्डन वीजा, कैसे मिलता है ये, क्या आप भी ले सकते हैं गोल्डन वीजा, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है गोल्डन वीजा? अब इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि 2019 में कोरोना के कारण पूरी अर्थव्यवस्था चौपट सी हो गई थी। कारखाने बंद थे, प्रोडक्शन बंद थे, पर्यटक घूमने फिरने नहीं जा सकते थे। इन सभी कारणों ने लगभग सभी देशों को बेहाली के उस दौर पर पहुंचा दिया था जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इतनी परेशानी और दिक्कतों के बावजूद दुबई सरकार ने एक बार फिर वो किया जिसने सभी को चौंका दिया। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अपने देश की बिगड़ती हालत को देखते हुए काफी तगड़े फैसले लिए जिसके परिणाम हम आज देख रहे हैं। इन्हीं फैसलों में एक था गोल्डन वीजा। असल में गोल्डन वीजा उन व्यक्तियों के हैं जो टैलेंटेड हों और तो और उनके काम से दुबई के भविष्य को एक रास्ता मिले। जिस तरह से अमेरिका दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को अच्छी सैलरी और अच्छी लाइफस्टाइल का लालच देकर अपने देश में नागरिकता देता है और उनसे वो काम करवाता है जिससे अमेरिका और उसका भविष्य सुरक्षित हो सके, आगे बढ़ सके, वैसे अब दुबई सरकार भी कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका ऐसे लोगों को हमेशा के लिए बुलाता है, वहीं दुबई सरकार केवल 5 से 10 सालों के लिए ये काम कर रही है, भविष्य में परमानेंट भी हो सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दुबई गोल्डन वीजा एक स्पेशल वीजा होता है जो सिर्फ स्पेशल लोगों को दिया जाता है। ये वीजा 5 से 10 सालों के लिए वैध होता है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। गोल्डन वीजा के फायदे। दुबई गोल्डन वीजा को प्राप्त करने के बाद आपको अपने वीजा के अनुसार 5 या 10 सालों के लिए दुबई की रेजिडेंसी प्राप्त हो जाती है। इस दौरान आप पूरे संयुक्त अरब अमीरात में घूम फिर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप वो हर काम कर सकते हैं जो वहाँ का एक आम नागरिक कर सकता है। पहले दुबई में किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए खुद दुबई के किसी भी नागरिक को अपना पार्टनर बनाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गोल्डन वीजा धारक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो 100% ऑनरशिप के साथ। इस वीजा का मुख्य फायदा सुरक्षा है। गोल्डन वीजा जारी करते वक्त यूएई सरकार ने साफ कर दिया था कि वो प्रवासियों, निवेशकों और उन लोगों के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो भविष्य में यूएई को अपना घर बनाने की सोच रहे हैं। कौन कौन ले सकता गोल्डन वीजा? अब आता है मेन सवाल कि कौन है वो लोग जो वीजा ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 10 साल के वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम में आपकी इनकम 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक निवेश कोष या कंपनी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुल निवेश का कम से कम 60% अचल संपत्ति के रूप में नहीं होना चाहिए और निवेश की गई राशि को उधार नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही संपत्ति के मामले में निवेशकों का पूर्ण कंट्रोल होना चाहिए। नियमों के मुताबिक निवेशक को कम से कम 3 साल के लिए निवेश को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इस 10 साल के लंबे वीजा को व्यवसायिक साझेदारों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते प्रत्येक साझेदारी 1 करोड़ दिरहम का कारोबार में निवेश करे। कारोबारियों के अलावा विशेष प्रतिभा वाले लोग भी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें डॉक्टर, रिसर्चर, वैज्ञानिक, निवेशक और कलाकार शामिल है। इन लोगों को उनके संबंधित विभागों और क्षेत्रों द्वारा दी गई मान्यता के बाद 10 साल का वीजा दिया जा सकता है। वीजा इनके जीवन साथी और बच्चों को भी दिया जाएगा। 5 साल के वीजा के लिए नियम काफी हद तक निवेशकों के लिए समान है। सिर्फ अंतर यह है कि आवश्यक निवेश की राशि 5 मिलियन दिरहम निर्धारित की गई है। हाईस्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट संयुक्त अरब अमीरात में 5 साल के रेजिडेंसी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशी नागरिक जो यूएई में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वे 5 साल वाले गोल्डन बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है आवेदन? तो अगर आपको लगता है कि अब आप ये गोल्डन वीजा ले सकते हैं और आप ये गोल्डन वीजा लेना भी चाहते हैं, तो चलिए अब देखते हैं कैसे करना है इसके लिए अप्लाई।
जो गोल्डन वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाले जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर यानी GDRFA के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है। ICA के जरिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जबकि GDRFA में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। इस प्रक्रिया में काफी आसानी होती है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दस्तावेज और अपने व्यवसायिक उद्यम को संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट करने को लेकर डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। बिना गोल्डन वीजा के कैसे दुबई या UAE में रह सकते हैं? दोस्तों, अगर आप भी दुबई में रहना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास गोल्डन वीजा हो। आपके पास दुबई इन्वेस्टर वीजा या फिर दुबई रेजिडेंस वीजा होगा तो भी आप दुबई में रह पाएंगे। इसके लिए सिर्फ कुछ शर्तें हैं, जैसे दुबई के किसी भी कंपनी में आपकी नौकरी पक्की होनी चाहिए। एक बार जब आपकी नौकरी पक्की हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी खुद आपको नो पेपर और दुबई रेजिडेंसी वीजा उपलब्ध कराती है। है ना कितनी आसान बात। दुबई के किसी भी सरकारी कार्यालय में आपकी नौकरी लग जाने के बाद आपको यहीं रहकर ही आपको अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी। अगर आप एक बिजनेसमैन है तब तो आपका स्वागत है। दुबई सरकार अपने यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान जो दुबई की फाइनेंशियली मदद यानी दुबई में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है उसे बुलाती है। दुबई की सरकार आपसे आपके कमाए पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लेती। यही एकमात्र वजह है कि ज्यादातर बिजनेसमैन दुबई में व्यापार करना चाहते हैं। और हो भी क्यों ना, व्यापार के साथ साथ अब आपके सभी टैक्स भी बचे हैं तो कौन भला इसे छोड़ेगा। इसे इन्वेस्टर वीजा के नाम से जाना जाता है। दुबई में खुद की जमीन खरीद लें तब भी आप दुबई में रह सकते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं है। ये काफी जटिल प्रक्रिया है। यदि आप एक स्टूडेंट और अपनी पढ़ाई के लिए संयुक्त अरब अमीरात आए हुए हैं तब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है आपको यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। इस प्रकार से आप दुबई में रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी गोल्डन वीजा लेने वाले हैं तो हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।